साल 2023 के अंतिम मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन दान पुण्य करने से 32 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने बताया कि हमारे हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और माता माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहता है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि साल 2023 की आखिरी पूर्णिमा रहेगी। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर 2023 को पड़ रही है। इस पूर्णिमा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पूर्णिमा पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। 2023 अंग्रेजी साल की यह आखिरी पूर्णिमा है। यह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा रहेगी। मंगलवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र के साथ यह पूर्णिमा पड़ने जा रही है और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आया है कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन यदि मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है तो उसका विशेष महत्व है। इस दिन अत्रि जी ने दत्तात्रेय भगवान का नामकरण संस्कार भी किया था, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आया है। क्योंकि भौमवती पूर्णिमा है, मंगलवार के दिन पूर्णिमा है, उग्र कार्य करने के लिए यह पूर्णिमा बहुत प्रशस्त मानी गई है और इसके अतिरिक्त इस पूर्णिमा के दिन मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र भी कई कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हम इस दिन कई प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं और पूर्णिमा है, इस दिन विशेष रूप से माँ नर्मदा गंगा इत्यादि जो पवित्र नदियां हैं उन पवित्र नदियों में हम स्नान करें, दान पुण्य करें। मार्गशीर्ष का मास है, हेमंत ऋतु है, शीत की ऋतु है, कम्बल इत्यादि का दान करें, गरीबों को दरिद्र नारायण को विशेष रूप से अन्नदान इत्यादि करें और ब्राह्मणों को भी यथासंभव सामग्री इत्यादि दान करें।